एवरीवन, सो वेलकम बैक इन आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस बिस्ट। सो अभी हम हैं, कहाँ है? नैनी। नहीं, अब बूबूधाम जा रहे हैं ना। अभी हम हैं नैनी, मम्मी हमारे मामा जी का घर है जहाँ पे लास्ट टाइम मैं गई थी। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस, वहाँ की ब्लॉग मेरे देखे होंगे आप लोगों ने। मैंने बूबूधाम मंदिर का ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से सारे वीडियोस मेरी उसमें से डिलीट हो गई थी। तो आज हम जा रहे हैं बूबूधाम वंस अगेन घूमने के लिए विथ माय फैमिली। ये है शीना, एवरीवन नोज सी हु सीज, और ये है अनु, ये दीदी आ रही है पीछे, और ये जिया जी और गोलू आगे आगे चल रहे हैं। ये दो हमारे सिपाही, बाघ आ जाएगा तो बाघ आएगा तो उसको हैंडल करने के लिए ये उनको हैंडल करेंगे। और अगर आ भी गया बाय चांस तो और हम क्या करेंगे? हम भागने में हम भागने के लिए पूरे तैयार हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मंकीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे जहाँ हमारे मामा जी का घर है वहाँ पे तो छत पे ही आके कपड़े कुछ भी रखा है उठा के लेके जा रहे हैं वो, तो हमें संभावना है कि हमें कहीं बाघ भी मिल सकता है, टाइगर लायन कुछ कोई भी। ये हमारे जीजा जी, ये हमारे वो है यार, क्या बोलते हैं जो जंगलों में जानकारी देते हैं ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिपोर्टर, यस ये वो है। ये सिपाही है दो हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं बूबूधाम, इस बार मैं आपको बूबूधाम के दर्शन जरूर कराऊंगी। सो मेरी इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना, अगर थोड़ा सा भी स्किप किया आप लोगों ने तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिस कर दोगे मिशी कर दोगे। हेलो बताओ कैसे हो। बताओ गोलू पूछ रहा है आप लोग कैसे हैं, कमेंट में बताना कैसे हैं गोलू को। कैसे हो गोलू, इसका क्या करोगे आप? स्टिक का किसको? बाघ को मारोगे? वाओ, ये हमारे जजी दोनों हमारे सिपाही हैं, इनके पीछे पीछे हमें चलना है। बाघ आएगा तो हमें भागने के लिए तैयार रहना है। हम बाघ को ऐसा कुचुड़ मुचुड़ कर देंगे, हम बाघ को कुचुड़ मुचुड़ कर देंगे और उसकी खाल निकाल के हम जैकेट बनाएंगे। जैसा अभी मैंने एक जैकेट बना रखी है व्हाइट टाइगर, ये हमने चीते की बना रखी, चीते की व्हाइट पैंथर, व्हाइट पैंथर्स। वो उनकी गलत फहमी थी जो कि दूर हो गई होगी, आपको कुछ नहीं बोल वो दूसरे दिन पूरी हो गई, दूसरे दिन कुछ नहीं बोला। कैप नहीं लाया ना एक दिन दीदी, जिस दिन हम आए थे उस दिन नाइट में दीदी ने क्या पहना था, एक अंदर से स्वेटर पहना था और एक जैकेट पहनी थी, वो टाइट हो रही थी, उसमें दीदी पतली दिख रही थी। एक जिया जी आए दीदी के, उन्होंने इनकी तारीफ कर दी, मीरा आप तो बहुत पतली हो गई हो, तब से उछल रही है। लेकिन उसके दूसरे दिन जब शादी के लिए तैयार हुए लहंगा पहना, उनकी गलत फहमी दूर हो गई, उनकी गलत फहमी दूर हो गई तब। अभी दिख रही है वो, अभी दिख रही है मोटी, कोई बात नहीं, लेकिन वो पतली है। ये सारे ही कौन है बट ये हमारे ब्लॉग में आ गए है, ये हमारे ब्लॉग में आ गए हैं। अब सो यहाँ पर एक नया मंदिर, मतलब बूबूधाम का ही एक नया मंदिर बनाया जा रहा है, जो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जब लास्ट टाइम आए थे ये इतना नहीं बना था, मतलब काम इसमें प्रोसेस में था, अभी ये पूरा इतना बन गया है। ये बूबूधाम का नया मंदिर जो कि बन रहा है, कुछ नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब तक तो रेडी हो जाएगा। और ये है हमारा बूबूधाम मंदिर, चलो अंदर चलो। जुराब
यहाँ पे जी नीचे चलो, नीचे उतारते स्लीपर्स, नीचे उतारते स्लीपर्स। अरे फिर यहाँ से करते हुए निकलते ना। हाँ ये है हमारा बुबू धाम मंदिर। इसके डाले ना, नहीं बुबू धाम का ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि वीडियो फोन जो हो गया था ना तो सारी वीडियोस डिलीट हो गई थी। ये है बुबू धाम मंदिर हमारा। ये शिशोण, शिशोण नहीं है यार, ये कुछ फ्लावर कुछ फूल का पत्ता है। हाँ ये उतार दो। ये है बुबू धाम मंदिर हमारा। ये है हमारे बुबू धाम मंदिर। ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे बुबू है, बहादुर मतलब का ये पूरे गांव के बुबू है, है ना पूरे गांव के है ना पूरे नानी नानी कहानी है लेकिन मुझे पता है मुझे याद नहीं आ रहा है। जय कर ले पटे को, जय चलो मुझे मुझे जय कर रहा है वो। हाँ चलो जा दर्शन करने। आनंद जी कुछ कम नहीं हो गया, पहले तो दो दो ऐसे बने थे, क्या कम नहीं हो गया मंदिर की हटा देना आपको। सो टूटेगा हमसे। ये है यहाँ पर माल्टा के पेड़ जो कि हम अभी तोड़ने जा रहे हैं। वो गिरे हुए नीचे यार, वहाँ जाएगा कौन मगर। पर यहाँ पे जाने के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है ये, यहाँ पे हम जा नहीं सकते, नहीं जा पाएंगे। देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं हम, तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं। दीदी तोड़ रही है, दीदी आराम से गई ना, जीजा तेरे को खाएगी मालटा और नहीं। रुको मैं तोड़ती हूँ। यहाँ पे कोशिश हो रही है, अब यहाँ पे हमारी मामी कोशिश कर रही है, हमारे पापा भी आ चुके हैं। आप देख सकती हैं मामी इतनी खुश हो रही है संतरे पाकर। आज हमने फतह कर ली। ये दोनों इतने खुश हो रहे हैं, गुरु ने रोज के पत्ते लिए हैं। पन्नी ढूंढेंगे आज, आ जाओ। अब ये हम लोग पन्नी ढूंढने का मिशन पे हम चले गए हैं। सो फाइनली हम मंदिर से आ चुके हैं, अभी हम लोगों ने फोटो बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई है, तो थोड़ा सा क्या सीरा क्या थोड़ा सा नहीं किसी को वॉशरूम जाना तो बोरा वॉशरूम मैं आपको बैक कैमरे से। ये है गांव का स्पेशल वॉशरूम, दूर दूर तक रोड नहीं है, कहीं भी रोड वहां से शुरू हो रखी है और ऊपर यहाँ से यहाँ आ रही है रोड, और नीचे सारा जंगल है। और वॉशरूम कहाँ बनाया ये, वारे बनाने वाले को 100 तोपों की सलाम। वॉशरूम यहाँ पता नहीं क्या किस हिसाब से बनाया है, किस लिए बनाया है, अनलॉजिकल है।
क्योंकि जो भी पहले तो जाने से पहले 10 बार सोचेगा नीचे कैसे जाए। बाय चांस वो इमरजेंसी ज्यादा ही कंट्रोल नहीं कर पाए, वो चला भी गया, वापस नहीं आएगा वो वापस नहीं आएगा फिर। अब हमने फोटोज हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक की हैं, अभी वीडियोस बनाई हैं जो मैं अपनी इंस्टा आईडी में ऑलरेडी थोड़ी बहुत अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी इंस्टा आईडी है नेहा ऑफिशियल नेहा बिस्ट, तो 15 and 24, तो जा करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी रील्स मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी अच्छी रील्स मिलेंगी और पोस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। यस, पोस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, क्या ये बुबू धाम, मतलब बुबू धाम मंदिर है, पूरा बुबू धाम है, एक मंदिर पीछे है बुबू का, बुबू धाम बोलते हैं हम इस मंदिर का नाम, वो एक मंदिर पीछे है जो मैंने आपको अभी दिखाया, और एक मंदिर यहाँ है आगे उनके ही नाम से। तो अब हम इस मंदिर में को भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है हमें ऑन द वे, सो कम से कम 5 मिनट की दूरी में दोनों मंदिर बने हुए हैं, वो तो अभी नया बन रहा है, उसमें वर्क चल रहा है, और ये है जो बन कंप्लीट हो चुका है ये मंदिर, ये है बुबू धाम मंदिर, हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है। यस, अंदर फोटो लेना मना है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम फोन अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि फ़ोन लेना अलाउ नहीं है, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है अंदर, सॉरी। तो अभी हम जाते हैं अंदर, शूज़ वगैरह ये सब उतार रहे हैं यहाँ पे, इसके बस दो उंगली खड़ी करनी है, दो उंगली खड़ी करनी है बस। सो यहाँ पर अनु हैं, जिया जी और दीदी सब शूज़ अपने उतार रहे हैं, मैं भी अभी उतारूँगी। और ये है, मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखा देती हूँ क्योंकि अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी, फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, कैमरा वीडियोस कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये है पूरा व्यू यहाँ का, ये इसको तो ऐसे खींच खींच के लेके जाना पड़ता है। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। ये गोलू और जिया जी, नींबू का पेड़ मिल गया इनको फाइनली, बट तोड़ने कौन जाएगा नीचे, बट तोड़ने कौन जाएगा बेटा, बात सही है, अनसक्सेस। ये रहे नींबू के पेड़, यस माल्टा भी है यार, ये दिख रहे होंगे, ये रहे माल्टा, बहुत सारे लगे हैं, माल्टा भी है, माल्टा भी है यहाँ पे, माल्टा नींबू, ये रहे नींबू माल्टा है यहाँ पर। हे एवरीवन, सो फाइनली हम बुबू धाम मंदिर से आ चुके हैं, हम सबने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं अंदर जा कर के। अंदर हमारे साथ बहुत ही भयानक घटना घटी है मतलब अंदर शूज़ और सॉक्स दोनों अलाउ नहीं है, शूज़ तो कभी किसी मंदिर में होते ही नहीं है, चप्पल और शूज़, सॉक्स भी नहीं है यहाँ। तो हम लोग अंदर गए सॉक्स उतार के, तो हमारी हालत वहाँ पर क्या थी शीना, बहुत ठंडा हो रहा था नीचे का फ्लोर, नीचे फ्लोर जो था बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। हम 2 से 3 मिनट के अंदर सारे पूरा मंदिर घूम के जय 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 करके हम वापस आ गए हम वापस आ गए, इतना ठंडा हो रहा था वहाँ, तो जितना ठंडा हमारे यहाँ दिल्ली में कभी नहीं हो सकता, सर्दियों में भी नहीं हो सकता इतना ठंडा, उतना ठंडा वो अभी यहाँ था। तो बुबू धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं आगे, 2 किलोमीटर की दूरी में कालिका जी का मंदिर है, अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी। सो मेरी इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारा मंकी है, ये इसको पकड़ के चलना पड़ रहा है, भाग जा रहा है ये, अल्लाह हमारा बाबू है, ये हमारा बाबू है, सोना बाबू। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, मिलते हैं मंदिर में, बाय बाय। तो यहाँ पर है, ये रास्ता खराब हो रखा है, ये बारिश की वजह से यहाँ पे टूटा होगा रास्ता,
बारिश की वजह से रास्ता खराब हुआ पड़ा है। अंग्रेजी मैडम देखे मॉडर्न कुमाऊं, मेरा मॉडर्न कुमाऊं, छोटे छोटे बाटा मेरा छोटा छोटा गाँव, मेरा छोटा छोटा गाँव। यहाँ से हिमालय पर्वत भी दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये व्हाइट जो दिख रहा है ये हिमालय है, स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे, अल्पाइन। ये है मंकी, यहाँ पे कुछ खा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, कुछ खा रहा है ये। मामी बंद कर दो, ये सब हमसे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं फोन छीनता है, फोन छीनता है। तो अभी हम जा रहे हैं कालिका मंदिर, यहाँ पर प्रसाद मिलते हैं। आ तो गए हैं श्रीराम, सौक सौक में जाने में हालत खराब हो जाएगी हमारी, और गाड़ी भी नहीं मिली तो फिर तो और ज्यादा हालत खराब हो जानी है। इसके अंदर चेक तो करो क्या है। मामी हाँ वेट प्लीज, मामी वेट। और भी बत्ती है, और भी आगे है क्या? हाँ। ये यही है और आगे है। हम आ चुके हैं काली माता के मंदिर, कालिका जी के मंदिर, और ये हमारी मामी है जो कि प्रसाद लेके ऊपर के वे में चल रही है, हम भी चल रहे हैं साथ में। आपको दिखाती हूँ, हम बहुत थक चुके हैं। हाँ देख सकते हैं हमारी मामी को बहुत ही शौक शौक में चल रही है, मामी भी थक चुकी है। अभी और भी ऊपर है, दो मंदिर है। अरे यहाँ चलाना है क्या? शायद ये नहीं है, आगे सुपर है, फिर एक और ऊपर मंदिर है। हाँ, दो मंदिर है, दो मंदिर है जिन सबने प्रसाद लिया उन्होंने बताया था, है ना मामी? हाँ। अभी तक तो हालत खराब हो ही चुकी है, तभी तो दो पाउट दिए शायद उन्होंने हमें। हाँ दो मंदिर है कह रहे थे अंकल, अभी तो इतने वे में ही हमारी हालत खराब हो चुकी है, ऊपर जाने तक और घर वापस जाने तक बहुत हालत खराब हो जाएगी हमारी, वो भी हम आपको दिखाएंगे जरूर। हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना। पहले तो नींबू वाले यहाँ पर बने बैठे रहते थे, देख सकते हो गर्मियों में इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ यहाँ, चौड़ी चौड़ी। ये हमारे पापा आ रहे हैं, ये गोलू आ रहा है, ये हमारी मम्मी, ये हमारी मामी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये हमारी मम्मी और मामा इकट्ठे आ रहे धीरे धीरे चलते हुए। लेट्स सी अब ऊपर क्या होता है। ये हमारी मामी थक के यहाँ पे थोड़ा आराम कर रही है, हम भी कर लेते हैं। हमारे मम्मी और मामा आ गए, मैं तो चल रही हूँ, मामी भी उठ रही है। लेट्स सी, गोलू भी बैठ चुका है, सब लोग थक चुके हैं,
हवा टाइट हो रही है सबकी। ये आ गई सीढ़ियाँ वापस से, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर फोटो लेना मना है, तो इसीलिए हम अपना व्लॉग यहीं मतलब हम अभी एंड कर रहे हैं, फिर आगे जब हम निकलेंगे तब हम आपको बताएंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर। बस हो गया, चल कुछ खिलाते, नेहा जूस ले। काट दे दी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट है। हाय, हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा।